बिस्मिल रही और आपको प्रोग्राम दो टोक में कहता हूँ इस्लाम से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम साहब 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 वालेकुम तीन खबरों पर हम तफसी से बात करेंगे पहली खबर सास और मरियम का झगड़ा और फिर चीफ जस्टिस से जुड़ी हुई ऑडियो ये उल्टी कैसे पड़ गई इसकी रुदाद दो टोकी आज की इस नशस्त में अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे और फिर इमरान खान साहब ने तीन ऐसे इंकशाफ किए जो हमारा पाकिस्तान का मीडिया है जानबूझकर प्लानिंग के तहत इसे सेंसर कर देता है और ये गुफ्तु जो है नहीं चलाई जाती लेकिन ये तीन इंकशाफ क्या हैं इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और फिर सजाए मौत देने के मुतलक ये इमरान खान साहब के हवाले से खबर है कुछ लोगों ने ये प्लान बनाया और ये प्लान क्या था लेकिन एन वक्त पे ये प्लान जो है वो लीक हो गया और राज जो है अब कॉम के सामने आज की इस में रखेंगे कि खान साहब को कौन से लोग ऐसे थे जो सजाए मौत की प्लानिंग कर रहे थे राज रह साहब ख़ब खबरें सारी बड़ी हैं और इसलिए बड़ी हैं क्योंकि इन सब में साजिश हो रही है पाकिस्तान के अंदर सीन से सियासत नहीं हो रही बल्कि सीन से साजिश हो रही है इन हालात के अंदर पिछले एक बरस के में हमने ये देखा कि साजिशें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और वफाक जो है वो एक साजिश का गढ़ बना रहा और तमाम साजिशों का महवर मरकज जनरल बाजवा और फिर उनके कुछ बाक़ियात जिनका जिक्र खान साहब बार बार करते हैं अब ये कुछ चीज़ें खान साहब की तरफ से सामने आई और आपको और इस प्लेटफॉर्म को हमें इस इस क्रेडिट को जरूर जो है वो अपने सुनने वालों के सामने रखना चाहिए क्योंकि हमने ही इसी प्लेटफॉर्म पर राय साहब कहा था ज़्यादा दिनों की बात नहीं है कुछ घंटों की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी में मुकर में सत्ताईस तारीख से पहले नहीं जाना चाहिए और अब ये कन्फर्मेशन भी आ गई तहरीक इंसाफ और खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि मैंडेट जो है वो असद कैसर के पास मौजूद नहीं है बल्कि ये शाह महमूद कुरैशी के पास मैंडेट मौजूद है और शाह महमूद से कोई रबता नहीं किया गया अब ये रबते असद कैसर से किस कैपेसिटी में किए जा रहे हैं और ये कौन से लोग हैं जो राबे करके एक मंजरनामा बना रहे हैं खान साहब ने इससे भी राज जो है इस राज को भी आ, आ, कौम के सामने रख दिया खान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चौदह मई की तारीख दे दी हम इनको आगे जाने नहीं देंगे अगर ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाकर आगे निकलेंगे तो हम ये होने नहीं देंगे ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं ये लोग इलेक्शन से भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ कर रहे हैं चौदह मई से आगे पंजाब इलेक्शन नहीं जाएगा अक्टूबर में भी पैसे नहीं हो सकते हालात ख़राब हो सकते हैं हमने चौदह मई से आगे नहीं जाना वजाजम इसमरी तहलील कर दे तो जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं अब ये फार्मूला बार बार पेश किया जा रहा है कि अगर असम्बली तहलील हो गई तो फिर पूरे मुल्क के अंदर एक ही तारीख पर जो हैं, वो हो सकते हैं अब खान साहब ये भी, भी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी शर्त है कि निगरान हकुमत की मुद्दत खत्म हो गई ये गैर कानूनी होगी हो गई है निगरान हुकूमत खत्म करके नई न्यूट्रल निगरान हकूमत लाई जाए अब राय साहब इट ये भी इट्स सेल्फ एक क्वेश्चन है कि आइन में क्या ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि दो निगरान हुकूमतें आ जाए यानी एक खत्म की मुद्दत दूसरी आ गई ये पाकिस्तान के साथ राय साहब एक तरह से मजाक हो रहा है फिर मरीम नवाज को प्रोटोकॉल मिल रहा है इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ है नवाज शिफ अब तक नहीं बता सका कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई फॉरन फंडिंग केस हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया इस पर कहते हैं कि हमें नाहल कर दिया जाए तोशाखाना की ओपन समात होनी चाहिए आसिफ जरदारी और मरीम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ी चोरी की फंडिंग और तोशाखाना में ये लोग फंसे रहे राय साहब आपको याद होगा मरियम ने जो इंटरव्यू भी दिया था उसमें खुद ये कहा था और जो पेपर्स रखे गए जो डिक्लेयर किया गया जो जीआईटी की रिपोर्ट थी कि एक गाड़ी तोहफे में मिलती है सऊदी शहजादे की तरफ से सऊदी या कतरी शहजादे की तरफ से मिलती है और उसके बाद उसको प्रॉफिट पर सेल कर दिया गया राय साहब तोहफे तो इन्होंने बेचे और गाड़ियां बेची और उस वक्त बेची जब बेचने की जरूरत जो है कानून मौजूद नहीं था लेकिन ये सब कुछ करके आज जो हैं वो सियासत के चैम्पियन बनकर हमें जो है अपनी शक्लें दिखाते हैं अब जनरल बाजवा पे भी कुछ तनकीद की है और ये भी हमारी आज की इस नशत का महवर वर्कज़ रहेगा और वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझसे झूठ बोला मैं नहीं समझता था कि जिम्मेदार लोग झूठ बोलेंगे जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन का प्लान किया हुआ था आपने मुतदीद दफ़ा ये खबर भी बताई कि मलिक अहमद खान किसान लंदन गए और क्या कुछ होता रहा लेकिन ऐसा भी जो सवाल है के सबिक आर्मी चीफ जनरल कंवर जवेद बाजवा के कहने पर पंजाब और के पी असम्बली को तहलील किया और फिर सदर अलवी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा ये दूसरी दफा इन्होंने इंकशाफ किया है कि बाजवा साहब कहते थे कि अगर तुम्हें इलेक्शन चाहिए तो इसम्बलियाँ तहलील कर दो तो राय साहब ये मशवरा मुझे तो लगता है ऐसा है कि ये मशवरा से ज्यादा एक तंस था जो जनरल बाजवा की तरफ से किया गया कि भाई इलेक्शन इस तरह नहीं होंगे जब इसम्बलियाँ तहलील हो जाए ना राय साहब तो फिर इलेक्शन ही होते हैं और यही हुआ आप इन इनकशाफात को किस तरह देखते हैं इलेक्शन के मामले को नई निगरान हुकूमत के मामले को और फिर ये जो मुजाकर का जो ड्रॉप सीन खान साहब ने कर दिया आज भी एक तो इस पूरे वाक का सिरा जन बाजवा के जो समी हैं साबिर मिठू अगर साफी इसका खोज लगाएं तो इस वाक़े का सिरा जनाब बाजवा के समदी साबिर मिठू के घर से निकलता है ये जो पंजाब असम्बली की तहलील और उससे पहले पंजाब में वज़रियाला की तब्दीली यानी उस्मान बुज़दार की तब्दीली और इमरान खान साहब के सामने जनाब बाजवा की जानब से नाम नहाद दो तीन अफराद की करप्शन की फ़ाइल रखना इमरान खान साहब की जानब से उन फाइल्स की तहकीक़ात करवाना और फिर ये साबित हो जाना के इन फाइल्स के अंदर जनाब बाजवा ने जो नाम नहाज शुहद रखे थे ये मुकम्मल तौर पर गलत थे और इमरान खान साहब को सिर्फ एक ब्लैक मेल करने की कोशिश थी अब ये जो हमने बात की जनाब बाजवा के समदे की इसकी डिटेल्स भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं लेकिन आशमी साहब इसके अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट भी है वो पॉइंट ये है कि जिस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम अतमाद लाई गई और उसको रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत कामयाब करवाया गया तो उस वक्त ये कहा गया कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे नवाज शरीफ का स्टेटमेंट आ चुका है मरियम नवाज़ का स्टेटमेंट आ चुका है कि ओरिजिनल प्लान ये था कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएंगे। तो अगर उस वक्त ये फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवाने पर जिस तरह से रजामंद थे तो केपी और पंजाब में किसकी हुकूमत थी इमरान खान साहब की तो क्या उस वक्त के पी और पंजाब की हुकूमतें कौमी असम्बली के इलेक्शन पर असरानंदाज़ ना होती ये जो अब इन्होंने बहाना बनाया हुआ है कि के पी की जो हुकूमत होगी या पंजाब की जो हुकूमत होगी वो असरानंदाज़ होगी कौमी असम्बली के इलेक्शन पर तो उस वक्त जिस वक्त ये कह रहे थे कि हम फौरी तौर पर एलेक्शन करवाएँगे क्योंकि इमरान ख़ान साहब की इनके बकूल बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी पिछले साढ़े तीन साल में हालाँकि बाद में इमरान खान साहब की गवाही इनके घर से आ गई और इन्होंने ख़ुद जो इकतसादी सर्वे शहबाज शरीफ के इकतदार में आने के बाद जो जारी हुआ उसमें यह ये एतराफ़ कर लिया गया कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पिछले बीस साल का बेहतरीन ग्रोथ रेट अचीव किया गया इसके बावजूद कि इमरान खान साहब को दिवालिया हालत में मीशत मिली थी तो आशमी साहब अब जो इनका ये आर्गमेंट है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन उस पर पंजाब की और के पी की हुकूमत असरअंदाज होगी इसमें दो तरह के एतराफ़ शिकस्त और एतराफ़ जुर्म है एक तो एतराफ़ शिकस्त ये है कि अगर इनको ये पता होता कि ये जीत जाएंगे पंजाब असम्बली का अलेक्शन या के पी असम्बली का इलेक्शन के पी तो चले आउट ऑफ क्वेश्चन है वहाँ तो ये किसी सूरत जीत नहीं सकते अगर पंजाब में भी इनको कोई दस पंद्रह फ़ीसद भी यकीन होता कि हम जीत जाएँगे तो फिर तो ये कौमी असम्बली के अलेक्शन पर असर होने के लिए यदि पंजाब के कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उन पर असरानंदाज़ होने के लिए ये इलेक्शन ज़रूर लड़ते और अपनी हुकूमत बनाते एक तो इसका मतलब यह है कि ये इतराफ़ कर रहे हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन करवाया गया तो इमरान खान साहब बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ पंजाब में अपनी हुकूमत बना लेंगे और ये इनको फिर इस खदेशे का इज़हार कर रहे हैं कि कौमी असम्बली के हलकों पर इमरान खान साहब की हुकूमत असरअंदाज होगी इसका मतलब यह है कि पंजाब में इन्होंने एतराफ़ी शिकस्त कर लिया है दूसरा आशमी साहब इसका मतलब ये भी है कि इससे पहले जो कौमी असम्बली तोड़ने की बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब ने चले आ, कौमी असम्बली तोड़ी कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको मुस्रद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये आज खुद इलेक्शन की जानब जा रहे थे लेकिन अब जो इलेक्शन से भागे हुए हैं ये भी एक तरह से इनका अपना जो आर्गमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक बात आ गई है क्योंकि उस वक्त भी इमरान खान साहब की हुकूमत के पी में और पंजाब असम्बली में मौजूद थे। अब जो तीसरी बात आपने की कि जन बाजवा ने कहा था कि के पी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करें तो मुल्क अलेक्शन की जानब चला जाएगा अब बाजपी साहब ये तो पाकिस्तान के जितने भी बाखबर साफ़ी हैं उनको ये पता है कि जनप बाजवाम खान को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे वज्रियाला पंजाब बनाना चाहते थे और वज्याला पंजाब बनने के लिए ज़ाहिर है कि अलीम ख़ान साहब ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अब इस पूरी सिचुएशन में जब जनब बाजवा के जो समी हैं साबिर मिठू इनके आगे एक फ्रंट मैन है जो कि इनकी बड़ी करीबी शख्सियत है बहुत ही करीबी शख्सियत मलिक अहमद खान मलिक अहमद ख़ान पंजाब में पहले शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन थे अब वफाक में वो इनके तर्जमान बने हुए हैं शहबाज शरीफ के तो साबिर मिठू ने मलिक अहमद खान जो उनकी करीबी शख्सियत थे उनको इस्तेमाल किया मलिक अहमद खान ने जनब बाजवा के साथ रबता किया शहबाज शरीफ के पैगाम जनब बाजवा तक पहुँचाए इस तरह से इस डील का आगाज़ हुआ अब इस डील का एक हिस्सा ये भी था कि साबिर मिठू साहब को भी तो कुछ मिलना चाहिए था उनकी कुछ ख्वाहिशात का भी तो एहतराम होना चाहिए था अगर बीच में वो फ्रंट मैन बने थे और एक बड़ी कारोबारी शख्सियत भी हैं तो कारोबारी शख्सियत तो अपने मफाद के बग़ैर कोई काम नहीं करती तो उनका मफाद तो ये था कि चलें हमारे जो कारोबारी मफादा हैं या जिस तरह से जनब बाजवा अलीम ख़ान साहब को बड़ी जल्दी में बुलाया पिंडी अलीम खान साहब की ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के लिए बड़ी ख़दमत थी और पार्टी ने उनकी बहुत कदर भी की इमरान खान साहब ने भी उनकी बड़ी क़दर की एक बड़े ज़बरदस्त मुंतज़िम हैं लेकिन आखिरी वक्त में जो कुछ हुआ वो बहुत नामनासिब था यानी जिस तरीके के इल्ज़ाम सामने आए वो बहुत नामुनासिब एक एंडिंग हुई और इमरान ख़ान साहब ने तो आखिरी वक्त तक अलीम ख़ान साहब का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया था क्योंकि ख़ान साहब हर वो शख्स जिसने पी टी आई के लिए किसी भी वक्त में काम किया खान साहब ने अपनी जानब से अप उसकी भरपूर क़दर की लेकिन बहरहाल हालात ख़राब हुए और फिर अलीम ख़ान के मुतल ये इनकशाफ हुआ उनको चीफ़ मिनिस्टर बनाने के लिए जनाब बाजवा ने मुबैना तौर पर एलेजली इमरान खान साहब को रजामंद कर लिया था। अलीम ख़ान लाहौर से ट्रेवल करके इस्लामाबाद पहुंच गए इमरान खान साहब की बात को मिसप्रसीव किया जनाब बाजवा ने और फवाद चौधरी ने फिर जनाब बाजवा को ये पैगाम पहुँचाया कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है इमरान खान साहब ऊस्मान बुजदार को नहीं उठा रहे औरम खान हमारी पार्टी का एक सरमाया हैं लेकिन अलीम खान साहब को हम इसलिए चीफ़ मिनिस्टर नहीं बना सकते कि फिर पंजाब के अंदर पार्टी के अंदर ग्रुपिंग हो जाएगी और इस वक्त पंजाब में हम पार्टी के अंदर ग्रुपिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस वक्त भी जनब बाजवा अपने समदी के कहने पर जो कि इमरान खान साहब अपनी कई ब्रीफिंग्स में अभी बता भी चुके हैं कि अपने समदी के कहने पर ये तमाम खेल खेल, खेल रहे थे उस्मान बुजदार को हटाने के लिए अब इसी वजह से जब चौधरी परवेज़ लाई जाहिर है के पंजाब में वजियाला बन गए थे और आखिरी वक्त में परवेज़ लाई ने यह डिसीज़न ले लिया कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे तो इस पूरी सिचुएशन में हो सकता है जनब बाजवा की जानब से इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया हो क्योंकि जनब बाजवा तो आर्मी चीफ थे और इस्टेबलिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में असर वसूख भी है तो ये पैगाम भेजा गया हो कि ठीक है इलेक्शन की जानब जो मामला जाएंगे वो इसी तरह जा सकते हैं कि पंजाब असम्बली और के पी असम्बली तहलील कर दी जाए हो सकता है जना बाजवा का उसके पसे पर्दा मकसद ये हो कि जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील हो तो वो कोई अपना फेवरेट कैंडिडेट जो है वो ले आएं। नहीं लेकिन लेकिन आपने आपने देखा ना कि मुझे जो जो सेंस प्रिवेल कर रही है कि खान साहब ने तहलील की और दूसरी तरफ पी का टोला था राय साहब आपको मुझे और हमारे सुनने वालों को ये भूलना नहीं चाहिए जब आप मरीम से सवाल करें ना कि जनरल बाजवा का जो आप कोर्ट मार्शल करने का मतालबा क्यों नहीं करते तो वो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखें जी इमरान खान जो कर रहे हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है और वो दूसरे जनरल की तरफ भाग पड़ते हैं इससे तो ऐसा ही लगता है कि बहुत मेहरबानियाँ हैं जनरल बाजवा की नूली के ऊपर और ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान आ, ये जो तेरह चौदह जमातें हैं इनके लिए पीटीआई के खिलाफ और उन्होंने उसे इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म आजीफ अली जरदारी केसेस ख़त्म नैब तरमीम हो गई फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिनके खिलाफ एक ये जो प्रोसीजर बिल है ये भी लाया गया ताकि नवाज शरीफ को अस खुद नोटिस केस के अंदर एक अपील आ जाए ये भी फायदा पहुँचाया जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक विंडो ऑफ अपॉरचुनिटी जनरल बाजवा ने डबल गेम करके प्रोवाइड की दूसरी पार्टी को और वो अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते थे देखिए आशवी साहब इमरान खान साहब ये इतराफ़ कर चुके हैं कि जनाब बाजवा पर ट्रस्ट करके उन्होंने ग़लती की पहली एक्सटेंशन देकर भी उनको गलती की और मुझे और कुछ और साफियों को पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जनाब बाजवा की एक्सटेंशन का केस फंस गया था तो इमरान खान साहब कोई ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे जनाब बाजवा को हर सूरत में एक्सटेंशन दिलाने के लिए इमरान खान साहब की कोई एक्साइटमेंट उस वक्त नहीं थी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक नामालूम पटिशन जो कि इस्टेब्लिशमेंट के एक किरदार ने और इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े एक किरदार ने इस्टेबलिशमेंट से जुड़े किरदार ने जब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी और जस्टिस खोसा ने उस एक्सटेंशन को फंसा लिया और जनब बाजवा को सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा उनकी आप ये कह लें उनका मजाक बनाया उनकी तजीक की यहाँ तक कह दिया कि जनाब बाजवा को शटल कॉक बना दिया गया है जानबूझकर वो इस तरह के रिमार्कस जो हैं वो जनाब बाजवा के मतलब तजी आमेज रिमार्क्स दे रहे थे ताकि जनाब बाजवा को पता चले कि जब आप एक्सटेंशन लेते हैं तो आपकी कितनी तजीक होती है और कितने तजीक आमेज मरले से आपको गुजरना पड़ता है तो इमरान खान साहब उस वक्त कोई एक्सटेंशन देने में यानी जब ये एक्सटेंशन फंस गई थी तो उसके बाद कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे अब आशमी साहब जनब बाजवा ने सिर्फ़ इमरान खान साहब के साथ डबल गेम नहीं की जनाब बाजवा ने नू लीग के साथ भी डबल गेम की यानी एक तरफ तो रजीम चेंज ऑपरेशन किया मियाँ नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ के साथ डील की मलिक अहमद खान बतौर साफ़ी हम सबको पता है जो बाबर साफ़ी है कि मलिक अहमद खान जो साबिर मिठू की करीबी शख्सियत हैं ये जनाब बाजवा के घर जाकर उनके साथ मुलाकातें करते रहे एक तरफ तो जनाब बाजवा कहते हैं कि मैं न्यूट्रल था मैं गैर सियासी था और मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ के फ्रंट वैन इनको वो घर बुलाकर उनके साथ मुलाकातें करते रहे और ये डील तय करते रहे अब हाशमी साहब इनको एक इशारा दे दिया नून लीग ने कि ठीक है हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन इन्होंने करवाना था तो जनाब बाजवा ने आखिरी वक्त में मलिक अहमद खान के ज़रिए मैं आपको ये बता रहा हूँ इस प्लेटफार्म पर मैंने ये ख़बर ब्रेक भी की थी जिन व्यूअर्स ने नहीं सुनी उनको दोबारा बता देते हैं कि मलिक अहमद खान के ज़रिए नवंबर में यानी नवंबर 2022 में जब आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए छः नाम छः जो सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इनके नाम भेजे जाने थे तो उससे दो दिन पहले मलिक अहमद ख़ान को शहबाज़ शरीफ के पास भिजवा दिया मार्शाल्ला की धमकी के साथ ये मार्शल्ल की धमकी दी कि अगर आपने मुझे एक्सटेंशन ना दी तो फिर ये मार्शल ला लग जाएगा और उसके अंदर एक और पैगाम ये भिजवाया कि मुझे छः माह की एक्सटेंशन दें अप्रैल 2023 तक और छहत्तरवें लॉन्ग कोर्स के जितने ऐसे जनरल्स हैं जिनको नून लीग ये समझती है कि ये हमारे लिए इरिटेंट्स थे तो ये अप्रैल 2023 तक वैसे ही रिटायर हो जाएंगे जिनमें जनरल फैज़ अमीर भी शामिल थे तो ये पैगाम दिया गया और मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन होते हुए भी जनरब बाजवा के ये पैगाम पहुंचाते रहे कि, कि किसी भी वक्त माशा लग सकता है ये तो नवाज शरीफ ने इस वजह से जनब बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी कि उनको ये पता था कि जनब बाजवा अगर इमरान खान साहब जिन्होंने जनब बाजवा को इतनी रिस्पेक्ट भी दी उनको एक एक्सटेंशन भी दी तो नवाज शरीफ ने तीन मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक फ़्रैक्चर्ड व्यू उनका ज़रूर है एक बहुत क्लियर व्यू नहीं है लेकिन एक फ़्रैक्चर्ड व्यू ज़रूर है तो उनको पता था कि जिस शख्स पर इमरान खान साहब ने इतने एहसानात किए अगर इमरान खान साहब की पीठ में इतना बड़ा छुरा इस शख्स ने घोंपा है तो ये हमारा क्या सगा बनेगा ये तो अगले छः महीने में हो सकता है फिर अपनी एक और एक्सटेंशन के लिए किसी और के साथ साजबाज़ कर लें तो इस वजह से नवाज़ शरीफ ने कहा कि अच्छा चले ठीक है इनको कहें कि के माशा लगा दें हम एक्सटेंशन नहीं देंगे क्योंकि माशा उस वक्त नून लीग की हुकूमत को सूट करता था नून लीग की हुकूमत की बैड गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी थी मुल्क के अंदर माशी बर्बादी अपनी इंतहा तक पहुँच चुकी थी लोगों पर महंगाई का कहर नादिल हो चुका था ये ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे इनको पता था कि हम जमनी इलेक्शन भी हार चुके हैं तो इसलिए इनको ये सूट करता था कि जनाब बाजवा माशा लगा दें और ये मज़लूमियत का लिबादा ओढ़ दें तो इसलिए नवाज शरीफ ने आखिरी परवर दिया अपनी सियासत बचाने के लिए ख़ुद को मजलूम साबित करने के लिए कि ठीक है जनब बाजवा से कहें कि लगा दें माशा हमने आपको एक्सटेंशन नहीं देनी और फिर जनब बाजवा ने यह भी गेम की कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनर की तकर्री रोकने के लिए आखिरी वक्त तक समरी नहीं भेजी समरी नहीं भेजी ख्वाजा आसिफ निजी महफलों में निजी ब्रीफिंग्स में ये कहते रहे कि ये समरी ना भेजना असल में आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए एक साजिश थी तो ये जनाब बाजवा चूँकि नाकाबले एतमाद थे अगर थोड़े से भी काबिल एतमाद होते तो नवाज शरीफ ने जो पूरी डील कर ली थी रिजीम चेंज ऑपरेशन की तो उनको एक्सटेंशन भी दे देते दे लेकिन आखिरी वक्त में नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि तो मकर धंधा जो है नाकिस्तान की सियासत में जारी है मरीम नवाज साहिबा जो है इन्होंने बाकायदा जो मॉडर्न एरा है इसके अंदर यानी जो आज की सियासत है इसमें बुनियाद रखी है मरीम नवाज ने और साब निसार की ऑडियो जाली ऑडियो फिर मज़ीद कुछ ऑडियोज़ आई और ऑडियोज़ की बुनियाद पर ही अपने केसेस जीतने की कोशिशें करते रहे हैं राय साहब हमने एक बात अपने सुनने वालों के साथ शेयर की और वो बात ये थी कि जनाब एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज साहिबान ट गए थे उस वक्त हमने ये कहा कि अब इन जजों की ऑडियोज और वीडियोज भी मंजर आम पर आएंगी राय साहब अब ये ऑडियो एक सामने आ गई है और ये ऑडियो चीफ जस्टिस की नहीं मिली आ उनके किसी अफसर की नहीं मिली यानी जो लॉ ऑफिसर्स और जितनी उनका स्टाफ है उन उसकी ऑडियो नहीं है या किसी वकील की नहीं है बल्कि ये घरेलू ऑडियो है और ये सास साहिबा की ऑडियो है उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो लोग उनके इर्द गिर्द जो सर्वेलेंस कर रहे हैं आप उसे अंदाज़ा लगा लें कि आ, क्या ताकतों का एजेंडा है और किस तरह से ये ऑडियोस रिलीज हो रही है और फिर इसमें एक और अनहोनी भी हुई है वो आगे चलकर मैं अपने सुनने वालों के साथ शेयर करूंगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास है माह जबीन खान सॉरी माह जबीन नून उनकी ये मुबैना ऑडियो लीक जो है वो सामने आई है और माह जबीन और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया गुफ्तगु कर रही है लीक होने वाली ऑडियो में महाजबी नून कहती हैं कि रात से रात से ना उम्र के लिए पढ़ पढ़ कर मैं तुम्हें नहीं बता सकती दुआएं मांग रही हूं राफिया तारिक कहती हैं या लोगों को भी कहा है और उमर को भी एक मैसेज भेजा मैंने तुम लाहौर के जलसे में वहां मौजूद थी वहां लाखों बंदा था इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त जिससे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सेफ्टी अच्छा फिर चीफ जस्टिस की सास माजबीन कहती हैं कि अल्लाह इनको कमज़ोर करे और इनको हिम्मत दे जिस पर राफिया तारिक बोली रात को मैंने दोनों को इसको और मुनीब को गुड भेजा तो दोनों ने पता है क्या मुझे भेजा वो नहीं शक्ल होती है ना दांतों में आप दबा लेते हो अपनी ज़ुबान मुझे कह रहे थे कि के बी केयरफुल वाई शुड आई बी बी केयरफुल वाई महाजबीन बोली जल्द से जल्द इलेक्शन हो अभी जिस पर राफिया तारिक ने कहा इलेक्शन देखो ना अगर नहीं होते फिर ये अपना समझ लें कि फिर माशाल्लाह लगेगा ये नहीं रह सकते ना बस खत्म बात महाजबीन ने कहा कि माशाल्लाह भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार राफिया तारीख ने कहा कि बिल्कुल तैयार है राय साहब बंदा घर भी गल नहीं कर सकता कि आपका सियासत के बारे में क्या ख्याल है पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्या हमारी आपकी जजों की सियासतदानों की फैमिली या आ, किसी को हक नहीं है कि वो बात कर सके या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हक जो है वो हाउस ऑफ शरीफ का है ये हक सिर्फ मरीम नवाज का है वो पाकिस्तान के मीडिया के सामने बैठकर जजों को धमकियां देती हैं साजिशें करती हैं झूठ बोलती हैं और अपने आप को सियासतदान कहलवाती हैं राय साहब मुझे तो ये सास और मरीम नवाज की लड़ाई इसलिए लग रही है क्योंकि मरीम नवाज ने कहा कि इसका एक रिएक्शन भी आया और वो ये कहती हैं कि अब तो बेगमात के कहने पर यानी आइन और कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बेगमात के कहने पर इंसाफ जो है वो मिल रहा है ट्वीट उन्होंने की आ, कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं वहाँ फितरा और इंतशार होगा और तमीर और तरक्की सिर्फ ख़्वाब रहेगी पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ये पाकिस्तान की अदलिया है जॉयलैंड नहीं राय साहब ये पाकिस्तान का निज़ाम है हाउस ऑफ शरीफ की कोई लॉन्डी नहीं ये कानून है हाउस ऑफ शरीफ का अपना हाथ से लिखा हुआ आइन नहीं नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहिए और ये तारीख में लिखा जाएगा कि एक अनोखा लाडला था जिसे जेल से निकाल कर जनरल बाजवा ने बाहर भेजा और वो आज तक अपना इलाज ही करवा रहा है राय साहब हाशमी साहब ये जो ऑडियो टेप मुबैन लीक की गई है इसके अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं ये दो ऐसे अहम पहलू हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है इसमें से पहला पहलू ये है कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बगावत करवाई गई चीफ जस्टिस साहब के अख्तियार ख़त्म कराने के लिए एक जाली किस्म का बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया चीफ जस्टिस साहब को मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल पर शैतानी टोला कहा गया और इसी हैश के तहत उनको गलीज तरीन दी गई फिर चीफ जस्टिस साहब और उनके जो साथी जज साहिबान हैं इनकी तस्वीरें चलाई गई मरियम नवाज़ के जलसे में और ये कहा गया कि ये एक शैतानी टोला जज है और उसके बाद ये भी कि इनके जो तराजू हैं ये बराबर नहीं हैं तो आशवी साहब इससे तो जाहिर है कि चीफ़ जस्टिस साहब और उनके जो साथी जज साहिबान हैं इनकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई क्योंकि कोई भी जो सियासी कारकुन है जिसके अंदर ज़्यादा शौर नहीं है वो तो मुश्तल होकर ख़ुदा न खास्तः इनके ऊपर हमला भी कर सकता था जितनी नफरत फैलाने की कोशिश की गुमराह कन किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहिबान के खिलाफ जो इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं और पी की मर्जी और मंशा के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे रहे अब आशमी साहब इस पूरी सिचुएशन में आप ज़रा ये इमेजन करें कि चीफ जस्टिस साहब की वालदा या चीफ जस्टिस साहब की सास एक ऐसी सूरतल में जब उनका बेटा या उनका दामाद इस तरह के हमलों की ज़द में हो यानी एक तो जिस तरह से चीफ़ जस्टिस साहब के अख्तियार ख़त्म किए जाएँ पूरा सिसिलियन माफिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा हो वह हर रोज़ चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हो हर रोज़ बिलावल जरदारी फजल रहमान ये कहें कि हम चीफ़ जस्टिस का दोस्त नहीं मानते मरियम नवाज उनकी तस्वीरें चलाकर उनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें तो उनकी वालदा या उनकी सास या किसी भी वालदा को किसी भी सास को अपने बेटे या दामाद के लिए दुआएं करनी चाहिए या बदवाएँ देनी चाहिए इसमें कौन सी अनहोनी बात है यानी एक लम्हे के लिए हमारे व्यूअर्स जरा इमेजिन करें कि अगर वो किसी मुश्किल में फंसे हों या उनको किसी ऐसे कमज़रस दुश्मन का सामना हो जो किसी भी वक्त उनको नुकसान पहुंचा सकता है उनकी पीठ में छुरा घूम सकता है आपको मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना हो तो हमारी जो वालदा हैं या हमारी जो सास हैं वो क्या हमें बदवाई देंगी या हमारे लिए दुआ करेंगी तो ये तो एक जर्नलाइज किस्म की एक टॉक थी जिसमें वो ये थी कि उम्र यानी उम्र से मुराद उनकी ये थी अपने दामाद के मुतल कि वो इस वक्त मुश्किल में है तो मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ नंबर वन नंबर टू जी नंबर टू जो ये बात की गई कि लाखों लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं तो जाहिर है कि जिस वक्त उनके ऊपर इतना दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और वो आइन के तहत फ़ैसला दे रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोग पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं ये वैसे भी एक घरेलू नोयत की गुफ्तु थी तो इसके अंदर उन्होंने एक जर्नलाइज बात की तो इसके अंदर क्या ऐसी बात कर दी चीफ़ जस्टिस साहब की सास ने जिसके ऊपर मरियम नवाज ने ये बयानियाँ घरने की कोशिश की तीसरा सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि एक घरेलू जो फ़ोन कॉल थी इसकी टैपिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कौन है जो फ़ोन टैपिंग कर रहा है ये किसके पास ऐसे आलात हैं जो फ़ोन टैपिंग कर सकता है क्या आये पाकिस्तान ये इजाज़त देता है मैं और आप इस प्रोग्राम से पहले इस प्रोग्राम के बाद इसी तरह साफी मुख्तफ़ प्रोग्राम से पहले मुख्तफ प्रोग्राम्स के बाद इसी तरह आपके घर में आपके दोस्तों से अजीज़ वकारीब से दिन में सो मरतबा बात होती है तो क्या आये पाकिस्तान ये इजाज़त देता है कि इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से आप एक रोग एलिमेंट बनकर लोगों के फोन टैप नहीं नहीं कर सकते लोगों के फोन हम हमने बिल्कुल ठीक है मैं मैं ना बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा ये कहकर कर कि न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़ा अखबार बंद हो गया क्योंकि उन्होंने भी इसी किस्म के फोन हैकिंग और टैपिंग स्कैंडल्स जो है वो सामने आए राजीव लेकिन अब यहां पर मामला यह है कि आपको याद है कि राना शमीम साहब का वो स्कैंडल था वो बरतानिया से हमने किस तरह उसे एक्सपोज किया और अभी तो उसकी एक किस्त चलाई थी तो तूफान आ गया और बताया कि नवाज शरीफ के कमरे में यानी हसन नवाज के दफ्तर में कौन कौन मौजूद था और फिर एफिडेविट राना शमीम सब हमने देखा यही अदालत थी आपसे ज्यादा दूर नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर आ, आ, अतर मनीला साहब जो थे उन्होंने सुमोटो लिया और फिर बुला लिया और फिर आपके सामने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का बाकायदा आगाज और जिस तरह जो हालात आपके सामने थे बताया जाए कि अखबार को भी उन्होंने नोटिस किया बाकी लोगों को भी ये मामला राय साहब वैसा ही है सुप्रीम कोर्ट पूछ नहीं सकती कि एजेंसीज को बुलाकर या किसी को बुलाकर कि यार ये फोन जो टैप हुआ है वो किस तरह हुआ क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है क्योंकि जिस नेटवर्क को इस्तेमाल किया गया उनसे भी पूछा जा सकता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज के पास है और किसी के पास नहीं है देखिए आशीष साहब एक तो ये चीफ जस्टिस साहब को टारगेट करने के लिए फ़ोन टैपिंग की गई है ना इसका मतलब यह है कि जिस मुल्क में चीफ जस्टिस और उनके रिश्तेदार उनके अजीज़ों के फोन टैप किए जा रहे हों जब उनको बुनियादी हकूक मुहैया ना हो तो फिर किसी आम पाकिस्तानी को बुनियादी हकूक किस तरह से फ़राम किए जाते होंगे इसका अंदाज़ा आप इस फ़ोन टैपिंग से लगा सकते हैं इससे यह भी साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर इनको सिसिलियन माफ़िया कहा था क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब चीफ जस्टिस साहब मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं एक फैसला वो सुना चुके हैं कि 14 मई को इलेक्शन होगा और ये सिसिलियन माफिया के लिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि आइन के तहत ये फैसला उनकी सियासी मौत का बायस बनेगा तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब और उनके रिश्तेदारों के फ़ोन टैपिंग शुरू कर दी अगर चीफ़ जस्टिस साहब की मोहतरमा सास का इन्होंने फ़ोन टैप करना है तो फिर तो इससे अच्छा ये है कि ये चीफ जस्टिस साहब के पास जाएं और उनको ये रिपोर्ट पेश करें कि हमने इमरान खान साहब के पैर पकड़ लिए इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर दिया इमरान खान साहब से माफ़ी तलाफी कर ली तो अब आप ये चौदह मई का जो इलेक्शन डे की आपने तारीख दी इसको कोई आगे पीछे कर दें, आगे कोई अक्टूबर में ले जाएं, अगर इन्होने इस लेवल तक गिरना है अगर इस लेवल तक गिरना है कि खातन की जो फोन कॉल्स हैं, जो घरेलू तो मतलब है कि आर्गुमेंट नहीं, नहीं के पास अब कोई आर्गूमेंट नहीं बचाब कर रही है फोन कॉल तो निकाल लें मरियम नवाज अभी गूगल कर लें यूट्यूब पर भी जस्टिस क्यूम की वो फोन कॉल जो शहबाज शरीफ ने की थी कि बड़े भाई ये कह रहे हैं कि फ़लांग को इतनी सज़ा दें फलांग को इतना जुर्माना दें वो होती है मैच फिक्सिंग यहाँ पे तो दो खुत हैं वो घरेलू माहौल में बातें कर रही हैं और घरेलू माहौल में उम्र उम्र यानी वो ज़ाहिर है कि उनके दामाद हैं तो उम्र कह के बात कर रही हैं फ्रेंकनेस में तो इसमें क्या बुरी बात है अपने बेटे को और अपने दामाद को कोई बदवा तो नहीं देगा जब वो मुश्किल हालात में घिरा हो जब उसके दुश्मनों ने उसको घेरा हो हाँ तो कोई बदवा थोड़ी देगा। है। या वो आ, ये कहती कि मैं तो उमर के लिए पॉसिबल था बिल्कुल <laughs> नहीं था इंटरव्यूज शिवाज शरीफ से आज तक किसी ने भी सवाल नहीं किया कि जस्टिस का यूम का मामला है डिड यू दिड़ यू नॉट से दिस लेकिन कोई जवाब नहीं आया अब मैं जल्दी से चाहूंगा कि कमेंट आप कर दें बताएं हमारे व्यूअर्स को कि सजाए मौत वाला जो मामला है राना सनाउल्ला ने बड़ी डिटाई से इतराफ़ जुर्म कर लिया कि भाई हम हैं जिन्होंने एक सौ चालीस मुकदमा बदनीति की बुनियाद पर बनाए चूंकि वो एक दलील दे रहे हैं कि अगर चाहते तो हम इमरान खान के खिलाफ सज़ाए मौत वाले केसेस बना सकते थे राय साहब आई थिंक ये सियासत जो है गटर है और इसकी बदबू जो है वो अब आ रही है और ऐसे किरदार जो राना सनाउल्ला की शक्ल में मौजूद है इसी तरह सानह जो होते हैं इसी तरह लोगों को टारगेट किया जाता है इसी तरह मुकदमात बनते हैं वादा माफ गवाह खड़े कर दिए जाते हैं और लोगों को सजाएं हो जाती हैं भुट्टो साहब का कि जो फांसी है वो हमारे सामने है कि क्या असल में हुआ था पहले तो आप ये देखें कि सजाए मौत की बात वो शख्सियत कर रही है जिनको मंशियात की स्मगलिंग में फौज के जैली इदारे ने गिरफ्तार किया था जिनके ऊपर बारह कत्ल के, के इल्ज़ाम इमरान खान साहब से पहले चौधरी शेर अली आबिद शेर अली के वाले दून लीग के मरकजी रहन और मियाँ नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास ये एविडेंस हैं कि राना सनाउल्ला ने बारह कत्ल किए हैं इनकी रिप्यूट अदरवाइज़ भी इनके हल्के में भी जाकर देख लें कि किस किस्म की इनकी शोहरत है उसके बाद सान्या मॉडल टाउन के ये मरकज़ी किरदार थे यानी कातिल करार पाए थे तो अगर सजाए मौत के मुस्तक कानून के मुताबिक जिस तरह की ये तावीलें घड़ रहे हैं अगर उस तावील को सामने रख लिया जाए तो सजाए मौत के अगर कोई मुस्तक बनते हैं उस तावील के मुताबिक जो इनकी अपनी तावील है हम तो कभी भी नहीं कहते कि किसी सियासी कारकुन को बग़ैर शुाद के या बग़ैर सबूत के जब तक सौ फीसद शुाद सबूत ना हो तो इस तरह की कोई सजा दी जाए लेकिन अगर उस तावील को सामने रख लिया जाए तो सजाए मौत के अकदार सौ फीसद तो राना सनाउल्ला बनते हैं अब इमरान खान साहब पर सजाए मौत का केस ये किस खाते में डालना चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहत क्यों किया इमरान खान साहब ने तोशा खाना के कवाद के मुताबिक पेमेंट करके ख़रीदारी की यानी एक पेमेंट करके बाकायदा बायदादो कौई, ज़बित के तहत वहाँ से घड़ी ली और उसको फ़रोग कर दिया जबकि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी क्वायद को पामाल करते हुए बेशकीमत गाड़ियां मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ले गए तो किस खाते में इमरान खान साहब का केस जो है वो सजाए मौत का केस बन सकता था यानी वो कौन सा केस है जज जेबा साहिबा के मुतल जो बेजरर किस्म के रिमार्क्स दिए ये सजाए मौत का केस बन सकता था इमरान खान साहब पर और क्या केस है इमरान खान साहब पर और क्या केस अभी तक इमरान खान साहब पर सामने आया क्या इमरान खान साहब ने सानिया मॉडल टाउन के राना ने जिस तरह से वहां पे गोलियां बरसाई थी क्या इमरान खान साहब ने इस किस्म का कोई काम किया तो ये तो इनकी ज़ाती ख्वाहिशात हैं ये इमरान खान साहब को ख़ुदा नखास्त रास्ते से हटाना उनकी ज़िंदगी से खेलना या उनकी जान लेना जिस तरह से पहले उनके ऊपर एक कातलाना हमला कराया गया ये इनकी ज़ाती ख्वाहिश हैं और ये ब्लंडर इनसे इसलिए हो जाते हैं कि इनकी ज़ाती ख्वाहिशात जो दिल में दबी हुई हैं ये इनके होंटों पर इनकी ज़ुबान पर इनके लफ्ज़ों के ज़रिए इसका इजहार हो जाता है तो एक बार तब आप फिर ये हजार हो गया कि ये असल में इमरान खान साहब की जान लेना चाहते हैं इसलिए ये सज़ाए मौत जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत शुक्रिया आयसाब अवर्स ये शो था आज का हमारा आपने कमेंट्स भेजिएगा और बताएं इस सज़ा के हवाले से जो राणा सनाउल्लाह ने बात कही है मुझे और इब्राहिम राय साहब को जासद दीजिए अल्लाह ने के बाद अल्लाह ने के बाद